भाई आप में से कई लोग बोल रहे थे कि ऑटो जंक्शन पर ना हेलमेट का कोई रिव्यू लेकर आइए, तो आज आपकी उस मांग को पूरा करने जा रहे हैं हम, क्योंकि आज ये जो आप देख रहे हैं ये स्टीलबर्ड का हेलमेट सामने आ गया है। इसकी अनबॉक्सिंग करूंगा और बताऊंगा कि भाई ये क्या हेलमेट है, कितनी कीमत है, सारी चीज़ें। तो सबसे पहले सस्पेंस को बरकरार रखता हूँ और इसकी अनबॉक्सिंग करता हूँ। ये चाबी देखो अपने हाथ में ले लिया मैंने और देखते हैं भैया क्या है। ठंड का समय है और भाई अभी थोड़ा सा ना टेम्परेचर सही हुआ है, तो आपके सामने देखो ये अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ मैं इसकी। भाई फाइनली ये देखो ये हेलमेट हमारा खुल गया है और अब देखते हैं इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा। तो ये भाई ओके, ये हेलमेट है, कैसा हेलमेट है बाद में बताऊंगा। इसके साथ ये एक वाइज़र भी दे रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये ब्लैक वाइज़र है, ब्लैक वाइज़र आपको मिल रहा है इसमें डब्बे में। तो अभी देखते हैं ये हेलमेट है कौन सा। तो टेंटरन ये देख रहे हैं ये हेलमेट, आप कहेंगे यार ये हेलमेट कौन सा है, तो मैं आपको दिखाता हूँ ये स्टीलबर्ड का SBA-8 है। तो ये जो हेलमेट है इसकी खासियत बताता हूँ कि ये क्या है, ये मॉड्यूलर हेलमेट है। मॉड्यूलर हेलमेट क्या होता है मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो ये जो हेलमेट है ये है। अब इसको मैं काम करता हूँ, इसकी पन्नी भी यहाँ से निकाल देता हूँ भैया। ये यहाँ पर इन्होंने ट्रांसपेरेंट ये दिया है वाइज़र और जो नीचे है वो ब्लैक वाइज़र आपको मिलता है इसके साथ साथ। अब मैं आपको इसके बारे में कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ। ये देखो वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर दिया है कि यहाँ से आपका एयर पास होने का एक ऑप्शन मिलता है। और वेंटिलेशन के लिए क्या मिला है देखो, एक यहाँ पर मिला है एक यहाँ पर मिला है, तो टोटल 3 वेंटिलेशन का आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है। और हेड पर भी एक आपको यहाँ पर देखो ये यहाँ पर भी आपको एक वेंटिलेशन मिलता है, तो टोटल 2, एक इधर और एक इधर, 4 वेंटिलेशन मिल रहा है। और अगर आप पीछे को 2 लोगे तो टोटल 5 वेंटिलेशन मिल रहे हैं। अब देखते हैं कि हेलमेट है क्या। तो देखो भाई मॉड्यूलर होता है, ऐसे हेलमेट को आप मॉड्यूलर कहते हैं। मॉड्यूलर का मतलब क्या होता है कि इसे ना आप हाफ फेस की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हो और स्पोर्ट्स हेलमेट की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैं एक बार आपको पहन के दिखाता हूँ, इसकी जो साइज़ है वो लार्ज है और कीमत मैं आपको लास्ट में बताऊँगा। चश्मा हटा देता हूँ और फिर दिखाता हूँ कि ऐसे हेलमेट की खासियत क्या होती है। ये देखिए ये अभी हाफ फेस हेलमेट की तरह काम कर रहा है और जब आप इसे नीचे करेंगे तो देखो स्पोर्ट्स हेलमेट की तरह ये काम कर रहा है, तो आपको दोनों की फीलिंग मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप देखोगे यहाँ पर तो इसमें एक ये भी मिलता है वाइज़र, जब आपको इसको ऊपर करना है तो आप इसको लगाकर आराम से चला सकते हैं। अभी ये जो है ना हेलमेट आपके लिए हाफ फेस हेलमेट का काम करेगा, तो जो पूरी ये ग्रिप आ रही है ना वो बहुत ही अच्छी है कि आँखों पर कोई लाइट नहीं आ रही है और जो क्लियरिटी है वो बहुत ही अच्छी है। और अगर आपको लगता है कि आपको स्पोर्ट्स हेलमेट की तरह इसको बनाना है तो देखो डबल वाइज़र हो गया, एक ये वाइज़र है और एक ये वाइज़र है, 2 वाइज़र आपको ऐसे मिल रहे हैं। और अगर आप इसे ऊपर करके इसको ऐसे करके चलाना चाहते हैं तो आप ऐसे भी चला सकते हैं। अंतर इतना है कि अंदर वाला जो ये है ये डार्क है, ये ब्लैक है, तो इसे आप दिन में चला सकते हैं। रात में करेंगे तो विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है क्योंकि भाई बहुत डार्क है, दोनों में अंतर है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि लाइट तो ये चलाइए। तो अगर आप ऐसे देखेंगे आपको लगेगा स्पोर्ट्स हेलमेट है, ऐसे देखेंगे तो आपको लगेगा हाफ फेस हेलमेट है। और इसे दबा कर आप खोलेंगे, देखिए ये जो देख रहे हैं ना इसे दबाकर आप खोलते हैं। अब आप कहेंगे इसकी कीमत क्या है, तो इसकी जो कीमत है वो 1800 से लेकर 2200 रुपये तक के बीच है, अलग अलग जगह पर अलग अलग कीमत है। जो डब्बा दिया गया है उस पर 2200 रुपये लिखा हुआ है, तो 2200 रुपये इसकी कीमत एक्चुअल में है नहीं, आपको ऑनलाइन बहुत सस्ता में मिल जाएगा, 1800 से 2000 के बीच में ये हेलमेट आपको मिल जाएगा। पहनने में कैसा है, कंफर्ट के मामले में क्या है, क्या खासियत है, क्या नुकसान है ऐसे हेलमेट का, इसके लिए भाई मैं एक नया वीडियो बनाने जा रहा हूँ, आप उसे देखिए, क्योंकि इसकी सिर्फ अनबॉक्सिंग हमने की थी। अच्छा एक चीज़ और दिखा देता हूँ कि आपको इसके साथ जो ये डार्क वाइज़र मिल रहा है वो कुछ इस तरीके का है, ये भी देख लीजिए। तो 2 चीज़ें मिलती है, कंपनी आपको दे रही है, ये स्टीलबर्ड का हेलमेट है। खासियत आपको बाद में बताऊंगा, जैसे अभी कीमत की बात बताया तो 1800 से 2000 के बीच में ही आपको आराम से मिल जाएगा। तो रिव्यू के लिए आप अगले वीडियो पर जरूर आइए और ऐसी वीडियो के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए ऑटो जंक्शन पर।